प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के कुंवर पट्टी पर ट्रैक्टर ड्राइवर राजेश कुमार भारतीय पुत्र मुंह से 35 वर्ष की रहस्यमयी मौत हुई है। जी हां, मौत का कारण बिजली का झटका बताया जा रहा है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि हत्या हुई है। उसके सर पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। इस घटना से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ में मजदूर कमलेश भी लापता है। रात के 3 बजे नैनी थाना क्षेत्र के मामा भांजे तालाब चौकी क्षेत्र के चक गरीब दास बगिया लाया गया है मृतक का शव। मृतक राजेश भारतीय के परिवार में विकलांग पत्नी मीना देवी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। घटना रात के 8 बजे की है, जबकि शव सुबह के 3 बजे घर वालों को सुपुर्द किया गया। पूरा मामला थाना क्षेत्र के कुंवर पट्टी इलाके का है, जो कि ट्रैक्टर पर इंटरलॉकिंग ईंट खाली करने गया था। इस मौके पर करछना क्षेत्र अधिकारी राजेश यादव, नैनी थाना अध्यक्ष एवं मामा भांजे तालाब चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए प्रयागराज से मोहम्मद नईम की खास रिपोर्ट। नैनी थाना अंतर्गत चौकी मामा भांजा के अंतर्गत चक गरीबदास एक जगह है। यहाँ के एक राजेश कुमार भारतीय, उनकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष है। पिता का नाम उनके मुंह से भारतीय है। ये रात में इंटरलॉकिंग का ईंट ले जाकर मेजा क्षेत्र में कुंवर पट्टी में उतार रहे थे। उसी समय जो है टच कर गया ट्रैक्टर ट्राली से, ये वहाँ गिर गए, इनको चोट आ गई, सर में चोट आई है और इनकी वहाँ मौके पर मृत हो गई। बॉडी चक गरीबदास में आई है। सूचना इनकी प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन थाना मेजा को वो प्रेषित कर दी गई है, तथा यहाँ हमारे यहाँ से पंचायतनामा की कार्रवाई तथा अग्रेतर विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार जो है पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की। सर, इसमें एक और व्यक्ति भी घायल हुआ की होने की सूचना है सर, उसको किस तरीके से ट्रेस आउट किया जा रहा है? उसको भी ट्रेस किया जा रहा है, जैसे ही प्राप्त होगा उसको, चूँकि वो जीवित है तो उसका जो है ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। और क्या नाम है सर उस घायल? उसका नाम तो अभी मुझे जानकारी नहीं हो पाएगी।